आज ये गंगधारी मोड़ पर चेकिंग चल रही थी बैरियर लगाकर, तो पवनौली की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा अंदर लिंक रोड पर मोटरसाइकिल रोक दी, पुलिस द्वारा पीछा किया गया। इनके द्वारा पुलिस पर जब घेरने का प्रयास किया गया तो फायरिंग की गई, पुलिस द्वारा क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी है और जो मोटरसाइकिल पे था दूसरा बदमाश गन्ने के खेत के अंदर भागने में सफल था, जिसका ढूंढने का प्रयास किया गया। घायल बदमाश की पहचान जाकिर के रूप में हुई है और ये एक बहुत शातिर वाहन चोर है और गैंग 26 के नाम से ये मेरठ में जाने जाते हैं, मेरठ का रहने वाला है। इनका इतिहास ये है कि जब ये चोरी करने निकलते हैं तो 25-26 से कम मोटरसाइकिल चोरी नहीं करते हैं। ये मोटरसाइकिल जो इनके पास से बरामद हुई है, ये मोटरसाइकिल भी हमारे यहाँ 4 दिसंबर को चोरी हुई थी और उसके बाद से इसकी लगातार तलाश की जा रही थी। यहाँ आज किसी घटना करने के इरादे से लोग आए थे, जो साथी इसका फरार हुआ उसका नाम इसने रिजवान के रूप में बताया है, जो खतौली का रहने वाला है। इनके पास से तमंचा जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। तमंचा 315 बोर का है। सर, साथिर वाहन चोर है, कोई बाइक वगैरह मिली है इसके पास से? हाँ, इसके पास से जो बाइक मिली है वो हमारे यहाँ 4 दिसंबर को चोरी हुई थी खतौली से, वो बाइक इसके पास से मिली है। कोई नाम है सर इस पर? देखिए, अभी मेरठ से पता किया जा रहा है, हमारे यहाँ से तो कोई नाम नहीं, लेकिन मेरठ से पता किया जा रहा है और अभी इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है।